हाँ, जब भी पेशेंट्स आते हैं कोई भी यूरिनरी सिम्टम्स लेके, जो भी 50 ईयर से अबाव हैं, तो सबसे पहले उनको एग्ज़ामिन किया जाता है, फिज़िकली एग्ज़ामिन, जिसको डिजिटल रेक्टल एग्ज़ामिनेशन बोलते हैं, जिससे हम प्रोस्टेट को फील करते हैं। दूसरा, उनमें PSA का टेस्ट कराया जाता है, जिससे पता चलता है कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन है वो बढ़ा हुआ है या नहीं है। तीसरा, इमेजिंग टेस्ट कराया जाता है। डिपेंडिंग ऑन दीज टेस्ट ये डिसाइड किया जाता है कि क्या प्रोस्टेट कैंसर की संभावना है तो कितनी है। एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो इसमें है वो है मल्टी पैरामीट्रिक MRI, एक स्पेशल तरह का MRI है जिसमें हम चार पांच चीज़ें देखते हैं कि प्रोस्टेट में कैंसर है या नहीं है। अगर इन पे हमें लगता है कि प्रोस्टेट कैंसर है, प्रोस्टेट कैंसर का अच्छा खासा शक है, तो उसकी प्रोस्टेट बायोप्सी की जाती है। पहले जो प्रोस्टेट बायोप्सीज होती थी वो फिंगर गाइडेड होती थी, लेकिन अब स्पेशल एक अल्ट्रासाउंड गाइडेड या उसको MRI से क्लब करके प्रोस्टेट बायोप्सीज होती हैं, और जिससे फाइनली पता चलता है कि प्रोस्टेट कैंसर है या नहीं है, और है तो किस ग्रेड का कैंसर है।